मॉनसून का ताकतवर स्पेल, कराची में धुआंधार बारिश, जल थल एक हो गया। शाराए फैसल तारिकपुर की ईसीएचएस गुलशन इकबाल सुरजानी गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने इंतजामी दावों की कलई खोल दी। कराची के नदी नालों में तुगयानी, कई अहम शाहराहें जेरे आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, करंट लगने से 5 और डूब कर 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कोरंगी नदी में फंसे एक नौजवान को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा चमन शाहराह सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग के 22 बंद। चमन का जमीनी रावता भी मुनकदा। तोबा चकजई में सैलाब, 3 डैम बह गए। किला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैमों में शगाफ पड़ गए। कई आबादियों में भी पानी दाखिल। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हालिया बारिशों में 57 अफराद जान बहक और 54 जख्मी हुए। आज मजीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में शदीद बारिशों से मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तुर्बत में होशियार डैम का बंद टूट गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। पाक फौज की बारिश और सैलाब के दौरान सिविल इंतजामिया की मदद। एफसी ने केच कौर मौसमी नाले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। मॉनसून बारिशों से हब डैम की सतह आब में 10 फुट इजाफा हो गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक हब डैम भरने में तकरीबन 7 फुट बाकी रह गया है। हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। सिंध भर में मॉनसून की तूफानी बारिशों से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गए। मूसलाधार बारिशों के बायस रोहड़ी और लालकाना की सड़कें पानी में डूब गईं। जखमाबाद बेनजीराबाद में भी शदीद बारिशों से नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। फ्रेंड शेडुल बुरी तरह से मुतासर। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। उमरकोट दादू समेत दीगर इलाकों में आंधी के बायस बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। पंजाब आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज बारिश, बादलों ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लाई में तुगयानी आ गई। पानी की आमद में खतरनाक हद तक इजाफा। कटारिया के मकाम पर नाला लाई में पानी की सतह 15 फुट, गवाल मंडी पुल पर 13 फुट तक पहुंच गए। वासा ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मनासी के हज की अदायगी जारी। हर सू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। और जाज कराम रमी जुमरात में मसरूफ। खुदा के मेहमान नाज कुर्बानी करने और सन मुंडवारी के बाद एहराम खोल देंगे। हजाज तवाफ जियारत करेंगे। आम लिबास में सफा मरवा के दरमियान सही करेंगे और मीना वापस लौट जाएंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हुज्जाज को मुबारकबाद। हज इंतजामात पर खुशी का इजहार। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ ईद के रूह परवर इस्तेमाल। करोड़ों मुसलमान आज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। सऊदी अरब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरौने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, यह मुकद्दस दिन एहसान कुर्बानी अल्लाह ताला की अता का पैगाम है। उम्मत मुस्लिमा को नादार मुस्तहकीन की मदद के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा।